नमस्कार साथियों, आज के प्रॉफिट एंड लॉस की हम 13वें वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं जहां पर एक वस्तु को हम दो बार बेचते हैं अलग अलग सेलिंग प्राइस पर और दोनों ही केस में होने वाले प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट की, प्रॉफिट या लॉस की आपस में कंपैरिजन की गई है कि भाई एक बार बेचा तो जो लाभ हो रहा था अगली बार बेचेंगे तो उसका 3 गुना लाभ होगा, या पहली बार बेचने पर कुछ हानि हो रही थी तो उसका 2 गुना हानि हमको दूसरी बार बेचने में होती है। तो आप समझ लीजिए हम आज के जो क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार के हैं कि जब एक वस्तु को पहले किसी और मूल्य पर बेचा, फिर बाद में हमने उस वस्तु को किसी और मूल्य पर बेचा, तो दोनों ही बार बेचने में जो लाभ या हानि हमको अलग अलग ट्रांजेक्शन में हो रहा है उनकी आपस में कंपेरिजन की गई है कि भैया द्वारा बेचने पर जो लाभ हुआ पहली बार बेचने पर हानि से 3 गुना ज़्यादा था। ठीक है, तो इस पैटर्न के हमारे क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। ना तो इन क्वेश्चन को हम एकदम इजी कह सकते हैं, ना ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं, एवरेज पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, एवरेज क्वेश्चन होते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखो शुरुआत बड़ी स्लो होगी, धीरे धीरे हम लास्ट तक पहुँचते पहुँचते एक अच्छे क्वेश्चन पर पहुँच जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना, वीडियो के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपको लेटेस्ट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज कि एक वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर जितने रुपए का लाभ होता है उतनी ही हानि उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर होती है। ठीक है, देखो क्या बोलते हैं कि एक वस्तु को हमने एक बार तो 832 रुपये में बेचा और दूसरी बार हमने उस वस्तु को 448 रुपये में बेचा। ठीक है, दो बार बेचा है हमने अलग अलग मूल्य पर, एक बार 832 में बेचा और एक बार हमने 448 में बेचा। तो एक वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर हमको कुछ लाभ हुआ, हमको कुछ लाभ हुआ और उतनी ही हानि हमको हो रही है। मान लो हमको लाभ P रुपए का हुआ, ठीक है, उतनी ही हानि हो रही है हमको कब, 448 में उस वस्तु को बेचने पर। तो 448 में बेचा तो उतनी ही हमको हानि हुई। मैं समझता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी, ये दो लाइन जो है उनको हमने मैथमेटिकली लिख लिया। जब 832 में बेचा तो हमको जितना लाभ हुआ है उतनी हानि हमको हुई है, कब, जब हमने उसको 448 में बेचा। तो इस जानकारी से हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हमको पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, वो कह रहे हैं उस वस्तु को 50% प्रॉफिट पर बेचने के लिए उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, हमको निकालना है ना। तो सेलिंग प्राइस तो हम तब निकाल पाएंगे जब इसकी कॉस्ट प्राइस मालूम हो। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो इन दोनों को जोड़ दें तो P से P कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2CP और इनको जोड़ोगे तो ये 0 और 4 और 3 7 और 1 8 और 8 4 12 1280। ठीक है, तो CP की जो वैल्यू है 2 का भाग दोगे तो 640, तो यहाँ कॉस्ट कितनी आ गई, 640। ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि हमको इस पर प्रॉफिट चाहिए और प्रॉफिट कितना चाहिए, 50% का। तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या होगी, नई सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो भाई सेलिंग प्राइस क्या होगी, 640 में तो आप खरीद रहे थे और 50% यानी आधा 50% का हमको चाहिए, तो ये कितना हो गया 640 और 50% का मतलब आधा, और इसका आधा कितना होता है 320, इसका आधा कितना होता है 320, तो कितना हो गया 960 रुपये। तो इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर आ गया 960 रुपये। ठीक है, तो ये आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है ना, आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है और ये जो पैटर्न है आप समझ लीजिए क्योंकि आज के सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आगे जाने हैं। ठीक है, तो हमने पहली बार बेचा 832 में, जितने रुपये का लाभ हुआ उतने ही रुपए की हानि हो रही है ना, लाभ है तो प्लस हानि है तो माइनस, कब, जब हम उसे 448 में बेचते हैं। अब वस्तु वही है इसलिए कॉस्ट प्राइस तो दोनों की इक्वल होगी, दोनों की बराबर होगी। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दें तो प्रॉफिट से प्रॉफिट कट के ये जोड़ के 2CP और ये जोड़ के 1280, ये जोड़ के 1280, 2CP 1280 तो CP 640। ठीक है, क्रय मूल्य, कभी कभी कॉस्ट ही निकलवा लेते हैं लेकिन इसमें थोड़ा आगे पूछ लिया। वो कह रहे हैं कि अब हम इस वस्तु को, किस वस्तु को जो 640 रुपए की है 50% के प्रॉफिट पर हम बेचना चाहते हैं। जब हम इसको 50% के प्रॉफिट पर बेचेंगे तो बेचेंगे कितने में, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, गेन कितना है 50% किसका, कॉस्ट का। तो 640 का 50%, 50% का मतलब क्या होता है, आधा,
तो आधा 640 का होगा 320, तो 640 में खरीदा था, 320 का फायदा चाहिए, इसका आधा फायदा चाहिए हमको, लाभ चाहिए, तो हम बेचेंगे 960 रुपये में। तो अगला क्वेश्चन पैटर्न आपके दिमाग में आ चुका है, एक ही पैटर्न के सारे क्वेश्चन हैं। किसी वस्तु को 475 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ है ना, द प्रॉफिट अर्न बाई सेलिंग एन आर्टिकल 4 रुपीज 475। तो आप देखो 475 में हमने बेचा, तो जो प्रॉफिट हुआ है 335 में बेचने से हानि से 10 रुपये ज़्यादा है, तो 335 में बेचने पर हमको अगर एक्स रुपये का लॉस हो रहा है, तो हमको 475 में बेचने पर एक्स प्लस 10 रुपीज़ का गेन होगा। तो भाई क्या हो रहा है, सवाल की भाषा को पकड़ लीजिए, बाकी तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करना है केवल। 475 बेचने पर जो लाभ है वो कितना है, 335 में बेचने पर जो लॉस हो रहा है उससे 10 रुपीज ज्यादा, तो लॉस हमको यदि एक्स रुपीज का है तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, एक्स प्लस 10 रुपीज का। एकदम बात समझ में आई आपको, तो 475 में बेचने पर जो हमको प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट कितना है, 335 रुपीज में बेचने से जो लॉस होता है उस लॉस से 10 रुपीज ज्यादा, तो 335 में बेचने से हमको लॉस कितना हो रहा है, एक्स रुपए का, तो एक्स रुपए का अगर लॉस है तो 475 में बेचोगे तो गेन कितना होगा, इससे 10 रुपीज ज्यादा, यानी कि एक्स प्लस 10। ठीक है, अब हमको इस बार क्या निकालना है, इस बार हमको कॉस्ट प्राइस निकालनी है, इस बार हमको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो भैया जोड़ दो, है ना, जोड़ोगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये जोड़ के 2CP, और ये प्लस का 10, ये प्लस का 10, ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये जोड़ोगे तो ये 10 हो गया, 7 3 10 11 का 1, 4 3 7 और 1 8, 8 10 हो गया, 10 इधर जाके माइनस होगा, तो 2CP, 2CP बराबर कितना हो जाएगा, 800, तो CP हो जाएगी हमारी 400, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 400। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का आप देख रहे हैं, पढ़िए, पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, हूबहू वही क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं एक वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई हानि, वो कह रहे हैं 560 रुपीज में बेचने से हुई हानि 720 720 रुपीज में बेचने हुए लाभ से 50 रुपये ज्यादा है। तो मान लो इस बार लाभ एक्स का है, तो इस बार हानि कितनी होगी, लाभ से 50 रुपीज ज्यादा। ठीक है, तो आर्टिकल का कॉस्ट क्या है, सीपी क्या है, ये हमको निकालना है। बात आपको समझ में आई, वो कह रहे हैं कि 560 में बेचने से जो लॉस हो रहा है वो कितना है, 720 में बेचने से जो हमें गेन हो रहा है उस गेन से 50 रुपीज ज्यादा है, तो यहाँ अगर एक्स रुपए का गेन है तो यहाँ लॉस कितना होगा, उससे 50 रुपीज ज्यादा, एक्स प्लस 50 होगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना कॉस्ट प्राइस है, भैया दोनों को जोड़ दो, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2CP, एक्स एक्स कैंसिल, माइनस का निशान लगेगा, -50, और ये कितना हो गया, ये 0 हुआ, और ये 6 2 8 हुआ, और ये 7 5 12, 1280। अच्छा 50 इधर जाएगा तो ऐड हो जाना है, तो ये हो जाएगा 2CP बराबर 50 इधर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1330, 1330, 50 इधर जोड़ेंगे तो 1330 हो जाएगा, तो यहाँ से CP आ जाएगा 2 6 12, 2 6 12 और 2 5 10, 6 6 5 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 6 6 5 रुपीज़। एक ही पैटर्न चल रहा है, केवल लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, बाकी दो लीनियर इक्वेशंस हमको मिल जाती हैं और उनको हल करके आपको कॉस्ट प्राइस इजीली मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 69 रुपये की जगह अगर हम 78 में बेचें, ठीक है, तो देखो पहली बारी आप बेच रहे थे 69 का, फिर आपने इसको मूल्य बढ़ा के 78 में बेच दिया, ठीक है, या मैं पहले 69 ही लिख देता हूँ, पहले हम बेच रहे थे 69 में और फिर बेच दिया हमने 78 में, वही वस्तु है, कॉस्ट दोनों की बराबरी होगी।
तो लाभ प्रतिशत दुगना होता है। अब मान लो कि यहां पे एक्स परसेंट का प्रॉफिट था, तो यहां पर प्रॉफिट कितना होगा? 2x% का होगा। ठीक है, तो इस वस्तु की कॉस्ट क्या है ये हमको निकालना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं, चेंज को आप ध्यान से पढ़िए, बाकी क्वेश्चन इजी है। अब वो कह रहे 69% में बेच रहे थे, 69 रुपीज में बेच रहे थे, तो जितना हमको परसेंट का प्रॉफिट था उससे अब हमको प्रॉफिट कितना है? डबल है। पहले एक्स परसेंट का था तो अब 2x% का। कॉस्ट तो दोनों की सेम ही है, आर्टिकल सेम है, लेकिन अब हम बेच रहे हैं 79 में। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमको कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट निकालना है तो हमको इस टर्म को, एक्स को इग्नोर करना होगा, हटाना पड़ेगा, इलेमिनेट करना होगा। तो हम क्या करते हैं कि पहली वाली इक्वेशन में, आप समझिए बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं आपको, पहली वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2x हो जाएगा। 2x में से 2x जाएगा तो 0 बचेगा, 2x में से 2x जाएगा तो 0 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का जब मल्टीप्लाई इसमें हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 9 18 और 2 6 12 138, और उसमें से घटेगा 78। अच्छा ये तो कैंसिल ही हो जाना है। अब 2CP में से, 2CP में से माइनस होगा CP, और ये टर्म तो इलेमिनेट हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो भैया 2CP में से CP गया तो CP, और 8 में से 8 गया तो 0, और आपका 13 में से 7 गया तो 6। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस आपकी होगी 60 रुपीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 60 रुपए। तो इस पैटर्न पर हमारा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसको अपडेट करने की कोशिश की है ना। आप समझिए क्या है, किसी वस्तु को 950 में बेचने से होने वाली हानि से 20% अधिक लाभ होता है, 20% ज्यादा लाभ होता है यदि उस वस्तु को 1060 रुपये में बेचा जाए। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया है, थोड़ा सा इसको टफ करने की कोशिश की है। देखो मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि आप ध्यान रखना, मेरे हर क्लास में शुरुआत तो बहुत जीरो लेवल से करता हूँ, लेकिन आप वीडियो के अंत तक पहुँचते पहुँचते एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को पाने लगते हैं। तो आज की क्लास में भी शुरुआत हमने बहुत सिंपल क्वेश्चन से की है, लेकिन अब आप देखिए क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा रहे हैं। अब इन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को इजीली कैसे बनाना है वो हमारा सोचने का काम है। तो वो कहते हैं कि किसी वस्तु को 950 रुपये में बेचने से होने वाली हानि। सबसे पहले हमने 950 में बेचा और हमको कुछ लॉस हो रहा है, हानि से 20% अधिक हमको लाभ होता है ना। यहाँ जितनी भी हमको हानि हो रही है उससे 20% ज्यादा हमको लाभ होता है। कब? जब हम उस वस्तु को 1060 रुपये में बेचते हैं। ठीक है, अब जो हमको लाभ होगा वो इससे 20% ज्यादा होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ ऐसा लिखते हैं कि हमको एक्स रुपये की हानि है, तो यहाँ आप लाभ क्या लिखोगे? एक्स प्लस, है ना, एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स। ठीक है, पिछले क्वेश्चन डायरेक्ट बोल रहे थे भाई इतना है तो इसका डबल, इतना है तो इससे 10 रुपये ज्यादा लॉस, इतना है तो इससे 20 रुपये ज्यादा, 50 रुपये ज्यादा की नहीं, लेकिन इस बार थोड़ा परसेंटेज का हिसाब ले लिया इन्होंने। ठीक है, अब आपको बताना है कि यदि दुकानदार इसे 32% लाभ पर बेचना चाहे तो सेलिंग प्राइस क्या होगी। देखो इस परसेंटेज के झंझट को कैसे समझें, तो आप समझिए कि 20% का मतलब क्या होता है। 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 का 1 अगर आप निकालोगे तो 20% होगा। इसका मतलब कोई नंबर 5 से हम 6 कर देते हैं तो वो 20% की वृद्धि हो रही है। किसी नंबर को हम 5 से 6 कर देते हैं तो जो चेंज है वो 20% का है। तो हम यहां पर भी तो ऐसा बोल सकते हैं, यहां पर जो लॉस है उससे 20% ज्यादा गेन है। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि लॉस अगर मेरा 5x है तो गेन जो है मेरा उससे 20% ज्यादा होगा, यानी कितना होगा? वो होगा 6x। मेरी बात आप समझिए, हमने क्वेश्चंस को बहुत इजी कर लिया, हमने क्वेश्चन को बहुत इजी कर लिया। अगर हमारा लॉस 5x है, हमने परसेंटेज का यूज कर लिया यहाँ पे, अगर हमारा लॉस 5x है तो हमारा अब गेन कितना होगा? 6x होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, पहले अगर हम क्या लिखते थे, अगर हम ये नहीं करते तो हम पहले क्या करते, अगर हमारा x रुपये लॉस था
तो अब कितना होगा एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स, कैसे भी आप लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी, लेकिन अब इस कंडीशन में जाओगे तो फिर कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा। इसलिए बेटर ये है कि पहली वाली अप्रोच पे आ जाओ कि भाई पहले अगर लॉस 5x का तो अब गेन 6x का, ये 5x तो ये 6x। आप समझ गए मैं क्या करने वाला हूं। अब हमें निकालना सीपी है, क्योंकि हम सीपी निकालेंगे उसको ही फिर हम आगे ले जाके सेलिंग प्राइस में बदल पाएंगे। तो हमें क्या करना है, इनको इक्वेशंस को बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस कैसे करना है भैया, इनको बराबर कर लो, इनको हम क्या कर लें, या हम दो तरीके हमारे पास है ना, सीपी निकालना है इसको 5 गुना कर दें, इसको 6 गुना कर दें, है ना, इसको हम 5-6 गुना कर दें और इसको हम 5 गुना कर दें और जोड़ दें, तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो इसको 6 गुना कर दिया, इसको 5 गुना, तो भैया देखो ये तो कैंसिल हो जाना है और ये कितना बचेगा, जुड़ रहा है ना, इनको हम जोड़ रहे हैं, तो ये 11 सीपी हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 6 गुना करोगे तो 0 और 6 5 30 का फिर 0 3 6 9 54 3 57 प्लस, अच्छा 5 गुना करोगे तो 0 5 6 30 का 0 3 5 1 5। अब आप इसको जोड़ दोगे तो 0 0 और 3 7 10 का 0 और 5 5 10 और 1 11 11 सीपी बराबर ये, तो सीपी आ गया भैया 1000 रुपये। सीपी कितना आ गया 1000 रुपये। अब वो कह रहे हैं कि हमको 32% का लाभ चाहिए। अब भाई इसका 32% कितना होगा, देखो इसका 1% कितना है, इसका 1% है 10, इसका 1% 10 है, तो 32% कितना होगा, 10 गुना कर दो 320 रुपये। तो जो सेलिंग प्राइस हमको निकालना है वो कितना होगा, 1000 सीपी है, 1000 सीपी प्लस 1000 का 32% आप निकाल लीजिए, तो 320, तो 1320 रुपये, ये क्वेश्चन का आंसर हुआ 1320 रुपये। तो कई एंगल से इसको सवाल को हम समझ सकते थे, हमने इसको पहले इस तरीके से समझा, आप इसको नोट कर लें फिर इसको देखते हैं। तो देखिए अभी हमने इस क्वेश्चन को एक प्रॉपर लॉजिक से देखा जो हम बनाते आ रहे थे। अब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और टाइम हमको जितना सेव कर सकते हैं सेव करना है, तो इसी क्वेश्चन को हम और फास्ट कैसे करें वो देखें, एक नजरिया बदलते हैं क्वेश्चन को देखने का, एक नए ढंग से इस क्वेश्चन को लेते हैं, और इस ढंग से अगर हम पिछले क्वेश्चंस को बनाएं तो वो भी आप बहुत तेजी से बना लोगे। तो आप प्रयास करके देखना कि पिछले क्वेश्चन भी इस ढंग से बनाएं। तो देखो वो कहते हैं कि जो लॉस हो रहा था उससे अब जो गेन है वो 20% ज्यादा है, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 5 पर 1 की वृद्धि, तो पहले अगर 5x रुपए का लॉस था तो अब गेन होगा 6x रुपीज का, पहले अगर हम 5x रुपए का गेन था तो अब लॉस होगा हमारा, गेन होगा 6x का। तो आप देखो 5x रुपए के लॉस से आप बढ़ के कहां पहुंच गए, आप पहुंच गए 6x रुपए के गेन पर। तो 5x रुपए का गेन था, अब 6x रुपए का गेन है, तो बीच में मैं इसको लिख देता हूं, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो देखो सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस को अगर 5x रुपए बढ़ा दें, अभी हम इसको कितने बेच रहे थे, इसको बेच रहे थे 950 रुपए में, ठीक है, और बाद में हम इसे कितने बेच रहे हैं 1060 में। अब आप सवाल को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यहां से कंसेप्ट आपके खुलेंगे, आगे के सवाल के लिए हेल्प मिलने वाली है। अभी हम 950 रुपए में बेच रहे हैं और 5x रुपए का लॉस उठा रहे हैं, ठीक है। फिर अगर मैं इसकी कीमत को 5x रुपए बढ़ा दूं तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर पहुंच जाऊंगा, कॉस्ट, जिसको हम क्या बोलेंगे कॉस्ट पर आर्टिकल सेल करते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, ठीक है। फिर हमको 6x का गेन चाहिए, तो जो कॉस्ट आ गई उसको 6x और बढ़ा दूं तो हमको क्या मिल जाएगा, 1060 मिल जाएगा। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा नया सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। आपको बात समझ में आई, देखो मैं एक लाइन में लिख रहा हूं, आप समझना कि 950 रुपए की वस्तु थी, पहले इसको 5x रुपए बढ़ा दूं तो ये हमारी कॉस्ट आ गई, फिर इसको 6x और बढ़ा दूं तो ये हमारी नई सेलिंग प्राइस आ गई, जो किसके बराबर है, 1060 के बराबर है। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया है ना, बात वही है, सोचने का ढंग बदल दिया हमने। पिछले क्वेश्चन में हमको कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ रहा था,
है ना, इसमें कैलकुलेशन बच जाएगा। तो 950 में बेच रहे थे 5x के घाटे पर, तो 5x बढ़ा दो तो ये हमारी कॉस्ट आ गई। 950 रुपये में बेच रहे थे, 5x रुपये का घाटा हो रहा था, तो 5x जोड़ देते थे कॉस्ट आ गई। अब ये हमारी कॉस्ट है, अब इसको 6x रुपये और बढ़ा दो तो ये हमारी नई सेलिंग प्राइस आ गई, जो किसके बराबर है, 1060 के बराबर है। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 11x हो गया। अच्छा, इसमें से इसको घटाओगे तो 110 हो गया, तो x का मान कितना हो गया, 10। तो इसका मतलब 5x की वैल्यू कितनी आएगी, 5x की वैल्यू आएगी 50 रुपये। तो यहाँ से हम कॉस्ट निकाल सकते हैं, भाई 950 में बेच रहे थे, 50 रुपये के घाटे पर बेच रहे थे, तो यहाँ से हमारी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 950 प्लस 50 यानी कि 1000 रुपये, 1000 रुपये। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या चाहिए, वो कहते हैं हमको 32% का लाभ चाहिए, तो हमारी नई सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, भाई 1000 का सामान था, 32% का लाभ चाहिए, 32% का लाभ चाहिए, तो ये 320 हो जाएगा, तो 1320 रुपये, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ गया तो आप इसको बहुत फास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना। इसको और डायरेक्ट करना है तो और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जितना सवाल को आप गहराई से समझ लें। कैसे भाई, 5x से हम 6x पे गए, तो पहले 5x बढ़ाया, फिर हमने 6x बढ़ाया, तो बढ़ा कितना दिया, 11x। अच्छा, 950 से बढ़ा के 1060 कर दिया, बढ़ाया कितना, 110, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 10, तो 5x की वैल्यू कितनी हो गई, 50। बात समझ में आई आपकी, तो हम 950 में बेच रहे हैं, 50 रुपये कम में बेच रहे थे, तो 50 रुपये बढ़ा के बेचोगे तो ऑन कॉस्ट बेचने लगोगे, तो कॉस्ट कितनी आ गई, 950 प्लस 50 यानी कि 1000 रुपये कॉस्ट आ गई हमारी, 32% लाभ पर बेचना है, तो आंसर कितना आ गया, 1320 रुपये। तो अगला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन को लेते हुए ही है और कंसेप्ट भी वही है कि किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने से होने वाली हानि से 57.7% अधिक लाभ होता है। आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल इन रुपीज 1560, अ शॉपकीपर गेन्स 57.17% मोर प्रॉफिट एज ही लॉस्ट बाय सेलिंग इट इन रुपीज 1200। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ ही वांट्स टू अर्न 10% प्रॉफिट। बिल्कुल वही क्वेश्चन पिछला बार वाला, हिंदी में समझते हैं, किसी वस्तु को 1200 में बेचने पर होने वाली हानि से 57.7% अधिक लाभ होता है। देखो, तो सबसे पहले 57.7% लाभ होता है, तो 57.7% की वैल्यू निकालें। तो देखो, अगर आपने परसेंटेज के पहले लेक्चर को ढंग से लिया है तो आप देखते ही बता दोगे ये 4/7 होगा, 4/7 होगा। ठीक है, या आपको 1/7 की वैल्यू पता हो, मैंने आपको बताया था 1/7 फ्रैक्शन अगर आ रहा है तो उसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, उसका परसेंटेज वैल्यू होता है 14.2/7 होता है। ठीक है, अब 14/2 तो अगर 14 का ये कितना है, 4 गुना हो रहा है, 14 चौक 56, तो अगर इसको हम 4 गुना कर देते हैं तो ये हो गया 14 चौक 56 8/7, और 8 में 7 का एक बार भाग जाएगा वो जुड़ जाएगा, तो 57.7% कितना हो गया आपका, 4/7 हो गया, ये कितना हो गया, 4/7। तो ये जो पार्ट है ये तो अब मैं क्या डिस्कस करूँ, ये तो परसेंटेज के पहले वीडियो में हम ढंग से कर चुके हैं, और इसमें अगर कहीं कोई समस्या होती है तो बार बार आप उस वीडियो को देखें, शुरुआत ही हमने इस फ्रैक्शन से की थी, और इसको आप पक्का कर लें। तो अगर वो कहते हैं कि 57.7% प्रॉफिट है ना पर बेच रहे हैं, तो इसका मतलब 4 रुपये बढ़ा के, तो 7 रुपये की वस्तु को हम बेच रहे हैं 11 रुपये में, या पहले हमको 7 रुपये था तो अब कितना होगा, 11 रुपये होगा। सवाल को दोबारा पढ़ते हैं, किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने वाली हानि से, तो हमने 1200 में बेचा, 1200 में बेचा, ठीक है, तो जो हानि हो रही है उससे 57.7% लाभ होता है। लाभ कब होता है, जब उसको 1560 में बेचते हैं, तो हानि 7x की अगर हानि है तो अब हमको लाभ कितना होगा, 11x का होगा। यहां तक भैया कहीं कोई समस्या नहीं हो, लाभ होगा प्लस होगा। ठीक है, तो आपको बताना है
इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, दुकानदार को 10% लाभ पर बेचना है। तो आप देखो, अब हमने बेसिक अप्रोच भी समझ लिया, उसके बाद एक एडवांस अप्रोच भी समझ ली थी। अब दोनों अप्रोच को मिक्स करके मैं इस सवाल को बना रहा हूँ। 7% लॉस से 11% गेन पर जाओगे, 7% लॉस से 11% गेन पर जाओगे तो क्या होगा, 18 की वृद्धि होगी, 18 की वृद्धि होगी, ठीक है। 7% लॉस है, 7x रुपये का लॉस है और 11x रुपये का फायदा है, तो 7x से 0, 7x बढ़ाया, फिर 0 से 11x के लिए 11x बढ़ाया, तो 18x की वृद्धि हो जाएगी। ये हमने लॉजिकली समझा था, है ना। लेकिन अगर हम इसमें से इसको घटा दें तब भी तो वही बात होती है। हम इसमें से इसको घटाएं, 11x में से 7x घटाया तो कितना हो गया, 18x, सीपी से सीपी कैंसिल हो गया। इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 में से गया 0, 6 में से 0 गया 6, और ये कितना है, 360। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। x की वैल्यू 20 है, तो अगर हम सीपी निकालें तो 20 यहां रख दो तो 140 हुआ, 20 यहां रख दो तो कितना हुआ, 140 रुपए का घाटा, और 140 इसमें जुड़ जाएगा तो सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 1340 रुपए। सीपी कितना आ जाएगा, 13। हमने देखो, चीजें सब सिंपल होती है, प्रेजेंटेशन अब जैसा जिसका हो जाए। तो इस अब तीसरा पैटर्न अपना लिया जो जो लॉजिक से मैच करता है हमारा। हमने इसमें से इसको माइनस किया, 11x में से माइनस करोगे -7x प्लस हो जाएगा तो 18x हो गया, सीपी में से सीपी कैंसिल हो गया, 1560 में से 1200 गया तो ये कितना बचा, 360। तो 18x का मान 360, x का मान 20, तो सीपी कितना होगा। अब अगर हम यहाँ मान रख दें, यहाँ मान रख दें तो 1200 बराबर सीपी माइनस कितना हुआ, 7 × 2 = 14, 140, 140 इधर जुड़ेगा, 140 जुड़ेगा तो सीपी कितना हो जाएगा, 1340, ठीक है। अब क्या बोला प्रश्न में हमको कि हमको 10% लाभ चाहिए तो हम कितने में बेचें, 10% लाभ चाहिए तो हम कितने में बेचें। तो देखो, कितने में बेचें, 1340, और 1340 का 10% कितना होता है, 134, ठीक है ना। तो आप जोड़ दीजिए इसको, 0 और 4, 4 और 3 7, 3 और 1 4, तो आंसर हुआ हमारा 1474। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 1474, 1474। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, एक दुकानदार किसी वस्तु को 400 में बेचता है, उसे कुछ हानि होती है। जब हमने इसको 400 रुपये में बेचा तो कुछ हानि हो रही है ना, लॉस है, और 350 बेच में बेचे, 350 में बेचे तो उसको 5% ज़्यादा हानि होती है, तो अभी भी हानि हो रही है और 5% पहले से ज़्यादा हानि हो रही है। अगर यहाँ x परसेंट की हानि है तो यहाँ x प्लस 5% की हानि, 5% ज़्यादा हानि होती है। वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, देखा जाए तो ये क्वेश्चन आप पहले बना चुके हो, अगर आपको याद आ रहा होगा तो आप ये बना सकते हो। तो देखो, सेलिंग प्राइस का अंतर कितना हो रहा है, 50 रुपये, सेलिंग प्राइस का अंतर कितना है, 50, और यहाँ पर अगर परसेंटेज में अंतर देखोगे तो अंतर कितना है, 5% का। आप यदि परसेंटेज को चेंज देखते हो तो परसेंटेज में चेंज कितना है, 5% का, और एग्जैक्ट चेंज कितना है, 50 का। तो हम 1% को क्या बोल सकते हैं, 1% को 10 बोल सकते हैं। तो हमको कॉस्ट निकालना, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप कि 1% है तो 100% कितना होगा, आंसर कितना हो गया, 1000, आंसर कितना हो गया। तो ये आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की 13 लेक्चर को ले रहे थे, और एक विशेष प्रकार के हमने प्रश्न लिए जहां एक आर्टिकल को दो बार अलग अलग प्राइस पर सेल करते हैं, और दोनों ही ट्रांजेक्शन में जो गेन या लॉस हो रहा है उनका एक कंपेरिजन हर क्वेश्चन में किया गया है। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही लेते हैं, तो शीघ्र ही मिलते हैं, जल्दी मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।